नमस्कार साथियों, एग्जाम ज्ञान मंत्रा में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, यूपी पुलिस में एक बड़ी कांस्टेबल की वैकेंसी फिर से आप सभी को देखने को मिलने वाली है। आप सभी जानते हैं कांस्टेबल की अभी दो भर्तियां, एक 41,000 वाली भर्ती और एक 49,520 कांस्टेबल्स की भर्ती 2018 में यूपी जो आपका यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है उसने कम्प्लीट करवाई थी। उसके बाद अब 35,757 लगभग पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी निकालने वाला है। तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं उनको आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ अपनी बारे में बता दूं, कांस्टेबल की जो 2018 में वैकेंसी आई थी 49,520 वाली, तो उसका रिटर्न मैंने खुद क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ यूपी एसआई 2021 वाली भर्ती का सबसे पहले रिटर्न और इसका जो फिजिकल है, ठीक है, ये भी मैंने क्वालिफाई किया है। तो अच्छा खासा इन दो भर्तियों का एक्सपीरियंस है। और पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड किस हिसाब से आपका पेपर कंडक्ट करवाएगा, फिजिकल के लिए आपको कितना समय मिलेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको टाइम ड्राइव हम लोग उपलब्ध करवा देंगे। फिलहाल बात करते हैं हम लोग जो आज के न्यूज आउटलेट में बताया गया है। तो साथियों, यहाँ पे जानकारी दी गई है आपकी भर्ती संबंधित कि कितने पदों पे आपका ये विज्ञापन जो है निकाला जाएगा। सबसे पहले देख लो, 35,000 सिपाही भर्ती प्रक्रिया आपकी अप्रैल से यहाँ पे शुरू करने की तैयारी है। इसमें क्या हो रहा था कि इसकी जो परीक्षा है, ठीक है, तो कंपनियां इसका टेंडर लेने से ही अभी इनकार कर रही थी। नकल चूंकि भर्ती में हो जाती है, तो चूंकि इस परीक्षा में आपकी नकल वगैरह ना हो, कंपनियों का नाम यहाँ पर बदनाम ना हो, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी। तो फिर से कंपनियों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाना है। पूरी जानकारी सबसे पहले यहाँ पर देख लो, बहुप्रतीक्षित, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिस भर्ती का इंतज़ार किया जा रहा है, 35,757 सिपाहियों की सीधी भर्ती की जो आपकी प्रक्रिया है अप्रैल से शुरू करने की यहाँ पे तैयारी है। और उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड सीधी भर्ती की परीक्षा कराने के लिए निविदा के जरिए नई कंपनियों को आमंत्रित करेगा। फिर से कंपनियों को टेंडर के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। भर्ती बोर्ड यह कवायद पहले भी कर चुका है और लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी की निविदा में भाग लेने से प्रक्रिया निरस्त यहाँ पे कर दी गई थी। भर्ती बोर्ड को नागरिक पुलिस के यहाँ पे 26,210 पद, उसके बाद फायरमैन के 1,007 और पीएसी जो आपका रिजर्व पुलिस रहता है 8,540 आरक्षियों की सीधी भर्ती का अधियाचन अगस्त 2022 में ही मिल चुका था। वर्तमान में भर्ती बोर्ड सिपाही के 534 जो पद थे जो आपके खिलाड़ियों वाले थे, इसकी प्रक्रिया यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। 31 मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी किसकी, 534 वाली, और यूपीएसआई वाली भी लगभग ये प्रक्रिया आपकी पूरी हो चुकी है। ट्रेनिंग पे वो लोग सभी जा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में सिपाहियों की सीधी भर्ती करने के लिए कवायद शुरू होगी। और सूत्रों की हम लोग माने तो इस बार कई नई कंपनियों को जो निविदा प्रक्रिया है इसमें हिस्सा कंपनियां ले सकती हैं। और निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे, यानी कि सबसे पहले इसका जो टेंडर की ये प्रोसेसिंग है अपनी अप्रैल में स्टार्ट की जाएगी, उसके बाद आपका यहाँ पर फॉर्म वगैरह फिलअप होंगे। यह परीक्षा ऑनलाइन होगी अथवा ऑफलाइन, इस पर भी अभी निर्णय होना बाकी है, ठीक है। यह भी डिसाइड नहीं हुआ है कि आपकी जो पिछली कांस्टेबल्स की भर्ती होती थी जिसमें ऑफलाइन पेपर होता था वैसा एक लोग कराएंगे, या फिर यूपीएसआई की जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन होता था तो वैसा एग्ज़ाम आप कराएगा। आपकी अभी जो 2018 में 41,000 कांस्टेबल्स, उसके बाद 49,520 कांस्टेबल्स, ठीक है, और एक जेल वार्डन फायरमैन की 5,000 आसपास जो वैकेंसी निकली थी, ये तीन आपके ऑफलाइन पेपर कराए गए थे, ठीक है। उसके बाद यूपीएसआई चाहे आप 2016-17 वाला देख लें या फिर आप 2021 वाला देख लें, ठीक है, इन सब का आपका जो पेपर था ऑनलाइन कंडक्ट भर्ती बोर्ड के द्वारा करवाया गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहाँ तक लग रहा है, चूंकि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, मेरे हिसाब से कम 15-20 लाख अभ्यर्थी इसका फॉर्म ज़रूर डालेंगे यूपी कांस्टेबल का, तो ऑफलाइन ही आपका ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और भर्ती बोर्ड आप सभी से कह रहा है कि सबसे पहले अप्रैल में आपके टेंडर की प्रक्रिया ये लोग स्टार्ट करेंगे, तो ये आप मान के चलें कि लगभग मई से आपके ये फॉर्म वगैरह हैं। अगर अप्रैल में टेंडर की प्रक्रिया पूरी भर्ती बोर्ड कंप्लीट करवा लेता है तो मई माह से आपके जो फॉर्म वगैरह हैं वो आपको डालने को मिलेंगे। और इसमें एक और चीज़ है साथियों, ठीक है, मैं सीधा सीधा बिल्कुल आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ
मई में अगर आपके ये फॉर्म वगैरह डल गए तो फिर तैयारी के लिए मिनिमम 6 माह का आपके पास यहाँ पे समय है, ठीक है, यूपी कांस्टेबल की तैयारी के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये चीज़, चूँकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा रहते हैं, भर्ती बोर्ड एक आपकी भर्ती कंडक्ट करवाने में कम से कम 2 साल का यहाँ पे पूरा आपकी ज्वाइनिंग तक होने में समय ले लेता है, ठीक है। चाहे आप यूपी कांस्टेबल की पुरानी भर्तियों को देख लें, पेपर के बाद लगभग 1-1 साल का रनिंग तैयार करने के लिए उसमें समय मिला है। चाहे यूपीएसआई को देख लें, नवंबर में यूपीएसआई का पेपर हुआ था, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है आपका जुलाई में आया था, तो लगभग ठीक है अच्छा खासा इसमें ठीक है समय मिल जाता है, ठीक है। तो साथियों यही है कि तैयारी में आप सभी लोग लग जाएं, जल्द ही आपको जो नई बड़ी वैकेंसी है यूपी कांस्टेबल की 45,000 प्लस पदों पे उत्तर प्रदेश पुलिस और भर्ती बोर्ड के माध्यम से देखने को मिलने वाली है। और जो भी साथी विश्वसनीय तरीके से इस भर्ती की तैयारी करना चाहें एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा के साथ जुड़ के हमारे एक्सपीरियंस के साथ, आप लोग एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। इसका जो स्टडी मटेरियल वगैरह रहेगा सारा आपको यहाँ पे हम लोग उपलब्ध करवाएंगे, इसकी आपको किस हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी है, रनिंग वगैरह फिजिकल के लिए कितना आपको समय मिल सकता है, कितना समय मिलेगा आप लोग देख लेना, ठीक है। तो सारी चीज़ें वो हम लोग आपको उपलब्ध इसमें करवाएंगे, एक जो बेस्ट गाइडेंस है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, इससे रिलेटेड जो आपकी बेस्ट बुक होती हैं, ठीक है, यूपी कांस्टेबल के लिए जो बेस्ट बुक होती हैं जिनको मैंने फॉलो किया अपने, ठीक है, पिछली ये जो भर्ती है इसका रिटर्न निकालने में, इनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आपकी इस भर्ती संबंधित सभी अपडेट सभी जानकारियाँ सबसे पहले और टाइम टू टाइम आपको एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे मिलती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय, हैव अ ग्रेट डे।